राजू जी, मैं आपकी एक बात से अपना वक्तव्य शुरू करना चाहता हूं। आपने कहा कि राहुल गांधी जो हैं, हम राहुल गांधी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, मतलब आप या इस चैनल में बैठे लोग या हम लोग। असली बात यह है कि राहुल गांधी हमारे जैसे लोगों की तरफदारी कर रहे हैं। कौन है हम लोग? हम लोग वो हैं जिनका मानस जो है वो 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 के बीच गढ़ा गया है। एक निश्चित नतीजे पर भारत पहुंचा कि हम किस रास्ते पर आगे जाएंगे। उसमें गांधी का भी दर्शन था, उसमें नेहरू की कर्मठता भी थी, उसमें अंबेडकर की समानता का जो जो विचारधारा है, और एक सशक्त संविधान जो है वो भी था। उसमें बुद्ध की करुणा भी है, उसमें महावीर जी की जो है वो अहिंसा भी है। ये सब जो कुछ गठित हुआ है वो गठित असली मायनों में इसी दौरान हुआ है, 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक, जब हमारा संविधान लागू हो गया। उसके बाद भारत ने स्वीकार किया कि अब हम जो है इधर उधर नहीं ताकेंगे, हम इस रास्ते पर चलेंगे। क्योंकि उस संविधान को तैयार करने में इतना ज्यादा मतलब बकायदे एक अच्छा समय लिया गया, एक सारे अच्छे लोग उसमें शामिल हुए और एक निर्णय पे पहुंचे कि भारत जो है अब इस संविधान के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। तो उस रास्ते पर चलने वाले हम सब लोग हैं, जिसमें हम लोग सबसे ज्यादा निराश पिछले 8-9 वर्षों से हुए थे, क्योंकि उसका कारण ये था कि भारत के राजनीति से, भारत के सार्वजनिक जीवन से, भारत के यहाँ तक कि सामाजिक जीवन से भी बौद्धिकता खत्म होते जा रही थी। बौद्धिकता पूरी तरीके से उसका लोप हो गया था, जिसको कांग्रेस ने लंबे समय तक बचा कर रखा था। वो नेहरू है चाहे इंदिरा गांधी है, यहाँ तक कि परवर्ती बहुत सारे गैर कांग्रेसी भी प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने भी भारत की राजनीति और सामाजिक जीवन में जो बौद्धिकता थी उसको कहीं भी उसको लोप नहीं होने दिया था उसका। हम तकलीफ हमारी ये थी कि 2014 के बाद ये बौद्धिकता गुम हो गई थी, और जो एक लंपटता है विचारों में, वो लंपटता जो है वो हावी हो रही थी। आप याद कीजिए, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस समय राहुल गांधी ने सबसे पहले रघुराम राजन से जब बात की, सामान्य लोगों से बात की और कमल हासन से बात की, तो मैंने उस समय निवेदन ये किया था कि मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेस जो है उसकी खोई हुई जो जमीन है बौद्धिकता की, बुद्धिजीवियों की, कलाकारों की, सोचने विचारने करने वालों की, पत्रकारों की, लेखकों की, वो वापस उससे वो जुड़ने लगी है। इसी का जो अक्स है वो आप देखिए अमेरिका की अभी जो बातें हुई है राहुल गांधी के द्वारा वहां के, चाहे वो न्यूयॉर्क की बात हो चाहे अन्य जगह पे उन्होंने जो भाषण दिए, जो बातें की, भारत जोड़ो यात्रा से उसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन एक बहुत ही मुकम्मल तरीके से और पूरे पैकेज के रूप में उन्होंने अमेरिका में जो है राहुल गांधी ने उस सबको पेश किया है। देखिए, उन्होंने दो तीन चीजें कही। पहला, उन्होंने कहा कि हम अपना व्यवहार नहीं बदलेंगे, वो अपने तरीके से काम करते रहे, वो का मतलब भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और सरकार, वो जैसा भी करते रहे, लेकिन हम उस विचारधारा को नहीं छोड़ेंगे और अपना व्यवहार नहीं बदलेंगे। आप याद कीजिए, बीच में एक बड़ी चर्चा चली थी कि भाई उनके पास एक भारतीय जनता पार्टी के पास चाणक्य है, तो करना ये चाहिए कि कांग्रेस को भी टिट फॉर टैट के तरफ जैसे को तैसे के जवाब के रूप में राजनीति का मार्ग अख्तियार करना चाहिए। यहां तक कि जब ममता बनर्जी वहां चुनाव जीती पश्चिम बंगाल में, तो ये कहा गया कि उनको भारतीय जनता पार्टी के ही लहजे में जवाब देना आता है। तब भी हम सब लोग यही सोचते थे कि इस तरीके की जो दोनों ओर से अगर हम इस तरीके से लंपटता अख्तियार कर लें, जिसको हाई हैंडेडनेस हम जिसको बोलते हैं, वैसे एक कठोर तरह का राजनीतिक प्रणाली को विकसित कर लें, तो देश जो है और वो बहुत ज्यादा गर्द में जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि राहुल गांधी ने कहा कि हम अपना व्यवहार नहीं बदलेंगे और हम अपने तरीके से ही काम करेंगे। दूसरी बात, उन्होंने हेट्रेड के खिलाफ भी बड़ी स्पष्ट बात उन्होंने कही। नेहरू जी ने कहा था कि ऐसा कभी नहीं होगा कि एक वर्ग की कट्टरता जो है दूसरे वर्ग की कट्टरता को खत्म कर देगी, बल्कि दोनों वर्ग की कट्टरता मिलकर कहीं ज्यादा बड़ी कट्टरता का जन्म देगा। राहुल गांधी आज भी उसी विचार को देखिए संजोए हुए हैं। उन्होंने हेट के खिलाफ जो मोहब्बत की दुकान जो खोली थी, उस दुकान को बकायदे आज भी उनका विश्वास बना हुआ है, और ये जो दुकान है उनकी जो दुकानदारी है वो अमेरिका तक पहुंच गई है। अमेरिका में पहुंच के उन्होंने केवल वहां की एक ऑडियंस को ही संबोधित नहीं किया है, उन्होंने भारत के भी ऑडियंस को संबोधित किया है, क्योंकि डिजिटल युग का जमाना है। डिजिटल युग नहीं रहता तो भी यहाँ तक बातें पहुंचती, अमेरिका में कहीं भी बातें जो है यहाँ तक पहुंचती। भारत
भारत में पहुंचे। और दूसरी बात ये भी अच्छी बात है कि सारी दुनिया में ये बात पहुंच रही है और सारी दुनिया जानती है, विशेषकर पश्चिम जगत जानता है कि किसी भी देश में निरंकुशता जो है, कोई भी निरंकुश शासक या कोई भी तानाशाही तरीके से काम करने वाला जो व्यक्ति होता है वो केवल अपने देश के लिए खतरा नहीं होता बल्कि सारी दुनिया के लिए खतरा होता है, क्योंकि उन लोगों ने दूसरे विश्व युद्ध को देखा है। दूसरा विश्व युद्ध आप सोचिए कि क्यों हुआ, दूसरा विश्व युद्ध केवल इसी निरंकुश शासन प्रणाली के कारण ही तो हुआ, अति महत्वाकांक्षा के कारण ही हुआ। यही विश्व गुरु बनने की जो लालसा है, अंधी लालसा, जिसके पीछे कोई न तर्क है न आपके पास वैसे ठोस कोई योग्यता है, और आप विश्व गुरु नहीं विश्व विजयी बनना चाहते हैं जैसे बहुत सारे योद्धा बनते रहे हैं। तो इस खतरे से एक तरह से राहुल गांधी ने पश्चिम जगत को भी आगाह कर दिया है, ये भी एक अच्छी बात है। आखिरी बात देखिए, अमेरिका में जो लोग गए हैं उनमें ज्यादातर जो है उस वर्ग के लोग नहीं है, दलित या गरीब वर्ग के लोग बहुत कम है वहां पर। अगर मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है लेकिन वहां पर ऑडियंस जो बैठी थी जिन्होंने जय भीम का रिस्पॉन्ड किया, ये वो लोग हैं जो अभी तक आरक्षण को गालियां भी देते थे, वो भीमवादियों को भीमटे नाम से अपमानजनक शब्दावली का इस्तेमाल करते थे। लेकिन वहां जाकर उनको ये पता चला है अमेरिका में शायद रहने के बाद, या एक तरह से अंबेडकर के खिलाफ जो वातावरण बनाया गया है भारत में उसका भी दुष्परिणाम वो देख रहे हैं, अंततः उनके भी तो लोग यहाँ रहते होंगे भारत में, उन्हें भी फीडबैक मिल रहा है। तो वहां पर जो सवर्ण लोग ज्यादा हैं, पढ़े लिखे लोगों से गए हैं, खूब पैसे वाले लोग गए हैं, ऐसे बच्चे जाके वहां पे या ऐसे लोग वहां पे नई पीढ़ी बनी है, उसमें जो बुजुर्ग हैं वो भी उसी वर्ग के हैं जो आज से 25 साल 30 साल 40 साल 50 साल पहले गए थे, जो संपन्न लोग थे खूब कुशाग्र बुद्धि के थे वो वहां गए, और आज वो ये मान रहे हैं कि अंबेडकर जो है भारत की सोच, भारत की बनावट और भारत के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही और उतना ही महत्वपूर्ण नाम है जितना कि गांधी और नेहरू का है। तो राजू जी मुझे लगता है कि ये केवल राहुल की व्यक्तित्व कला जो है, उसका बोलने का जो ढंग है, उनकी जो संभाषण कला है, ये इतने तक ही सीमित नहीं है। इस भाषण के, इस वक्तव्य के और उनकी पूरी अमेरिका यात्रा के इतने बड़े आयाम है जो भारत की राजनीति ही नहीं, वो सभी लोगों के, हम सब के दिमाग की सफाई करेंगे। हमारे भारत में बहुत सारे लोगों के जिनके दिलों में और जिनके दिमाग में जाले बैठ गए हैं, उन जालों की सफाई करने का काम भी राहुल गांधी का भाषण और उसकी यात्रा भी करेगी, ऐसा भी मुझे लगता है। राजीव जी, हम देखेंगे कि आने वाले समय में बड़ा परिवर्तन हमारी सोच में, हमारी मतलब आम जनता में, जो लोग भटक गए थे उनकी सोच में भी हमें दिखाई देगा, ऐसा मेरा विश्वास है राजीव जी। जी जी, आने वाले समय में बहुत कुछ ऐसे भी होने वाला है। देश में चुनाव है, जनता जो है वो बैठी हुई है, इंतजार कर रही है। कई लोग नए वोट